हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। और ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, खासतौर वो बच्चे जो ऑलरेडी रशिया या अब्रॉड में पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो प्लान कर रहे हैं। बट ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से उनके लिए जो रशिया इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने आप लोग बहुत लोग 2021 खासतौर से 2021 में क्यों शब्द यूज़ कर रहा हूँ वही मैं भी क्लियर करता हूँ कि जिन बच्चों ने 2021 में एडमिशन लिया था या 2022 में एडमिशन लिया था या 2023 में जो बच्चे गए, वो बच्चे बहुत चीज़ों से शायद अवेयर थे और बहुत चीज़ें से शायद अवेयर नहीं थे। तो आपको पता या नहीं पता, मेरे पास्ट के भी कई वीडियोस आए हैं इस टॉपिक रिलेटेड, पर इसमें बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जो ये वीडियो आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डेवलपमेंट हुए, कन्फ्यूज़न क्या थी, सल्यूशन क्या है और ये जो चेंजेस हुए वो आपके कैरियर को कैसे अफेक्ट करने जा रहे हैं जब आप अपना MBBS कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो NMC गैजेट आया था 18 नवंबर 2021 आपको पता होगा, उसमें काफ़ी रूल रेगुलेशन NMC ने बनाया था, खासतौर वो उन बच्चों के लिए जो अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, और उसमें बहुत ऐसे टेक्निकलिटीज थी। तो मान के चले ऑलमोस्ट 99% कंट्री फुलफिल नहीं कर रही थी, मोटा मोटा कि बच्चे अब्रॉड जा तो रहे हैं पर ये बच्चे वापस आके यहाँ प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता था। अभी हम किसी इस वीडियो में किसी कंट्री की बुराई नहीं करने जा रहे कि ये नहीं वैलिड, आपको पता है कौन सी कंट्री वैलिड नहीं है NMC के, फिर भी बच्चे शायद गए हैं तो जाने दिए वो उनकी बात है। बट हमारी कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कहा था कि नहीं रशिया पे हम लोगों ने पूरा कोरिकुलम देखा था, तो वो टू एन एक्सटेंट क्यों बोले वही बताते हैं, टू एन एक्सटेंट फुलफिल कर रहा है NMC गैजेट को। तो कहाँ क्या क्या चीज़ था, रशिया कहाँ फंस रहा था और अब क्या हुआ है वो मैं आपको बनाने के लिए वीडियो मैंने बताया है, जिससे आप अपडेट हो जाए, आप भले किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया के पढ़ें ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो NMC का जो गैजेट आया 18 नवंबर 2021 में, उसमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस बोला, तो उसमें तो चलिए मैंने पुराने वीडियो में समझा कि रशिया लाइसेंस बहुत आराम से देता है, 2014 के बाद जो उनके रेगुलेशन चेंज हुए थे लाइसेंस वो दे देते, तो उसमें तो वो नहीं फंस रहे। दूसरा ड्यूरेशन भी 54 मंथ मिनिमम मांगा गया था, 54 मंथ से कहीं ज्यादा ड्यूरेशन पढ़ाई की रशिया में ऑलरेडी, तो आपको पता है 6 साल का अप्रोक्स MBBS ऑलरेडी है। इसमें इंटर्नशिप एक ऐसी चीज थी जिसमें रशिया फंस रहा था, अभी तक क्लियरेंस मेरे भी पास नहीं, तो मैंने भी और बहुत ऐसे यूट्यूबर्स है जिन्होंने उन्होंने सही वीडियो बनाया था, ऐसा नहीं उन्होंने मिसगाइड किया, इंटेंशन का जो भी हो बट उनके वीडियोस में उन्होंने ये चीज़ समझाया था कि इंटर्नशिप रशिया में नहीं होती। ये बात सच है, कोई भी यूरोपियन कंट्री या रशियन कंट्री का जो क्रेडिट सिस्टम है, जो पढ़ाने का सिस्टम है, उसमें अलग से इंटर्नशिप नहीं। रशिया बहुत पहले किसी जमाने शायद होती थी, जितना मुझे पता 2014 में जो उनका रेगुलेशन चेंज हुआ तो इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड कर दी गई थी, मतलब आपकी कोरिकुलम में ही डिज़ाइन कर दी गई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक मेल वायरल हुआ था, पता नहीं आपके पास आया था नहीं आया था, आप में से कुछ लोगों ने देखा, उसमें NMC ने ये बोला था कि हम इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप मानेंगे नहीं। तो इसके बाद से एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी कि या तो रशिया वैलिड नहीं है या रशिया जो जा रहे बच्चे फंस जाएंगे, या एक है कि इंटर्नशिप का जुगाड़ कैसे होगा। तो इस पर हम लोग भी बहुत टच में थे, यूनिवर्सिटीज के कॉलेज के बहुत डिस्कशंस हुए कि इंटर्नशिप का इंतजाम कैसे होगा। तो उसमें एक सोल्यूशन ये था कि भाई 6 साल बच्चे को पढ़ने दो और 1 साल शायद यूनिवर्सिटीज अलग से इंटर्नशिप करा के इनको एक कागज दे देगी और इंटर्नशिप लेके ले आ जाए, बट उसमें नुकसान बच्चे का 7 साल वहां जाएगा, प्लस वापस जब वो यहाँ आएगा लाइसेंस एग्जाम अपना देगा, नेक्स्ट एग्जाम 1 देगा, फिर वो 1 साल इंटर्नशिप करेगा, यानी 8 साल तो उसका सिर्फ MBBS का चला जाएगा, जो कि एक बड़ा ड्यूरेशन है। इसमें दूसरा जो एक बड़ा चैलेंज आ रहा था, क्योंकि आपने जो पुराने रेगुलेशन पढ़े उसमें ये था कि नेक्स्ट 1 आपको विदिन 10 ईयर क्लियर कर लेना, मतलब आपका जो MBBS का ड्यूरेशन वो 10 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए टोटल, जिसमें इंडियन बच्चे के लिए आज भी वो रूल है कि 10 साल में आपको अपना MBBS पूरा करना है। तो इसमें 2 बड़े ब्रेक थ्रू हैं, अब इस वीडियो के हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे हैं, 2 बड़े ब्रेक थ्रू आपसे रिलेटेड। नंबर 1 हम आते हैं NMC ने क्या किया है, एक लेटेस्ट नोटिस उनकी वेबसाइट पे है जिसको हमने क्रॉस चेक किया, जिसको NMC ने खुद हाईलाइट करके बोला है कि फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए आपके लिए 10 ईयर है फॉर पासिंग ऑफ योर नेक्स्ट एग्जाम फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। मतलब मान के चलते आप 6 साल 7 साल 5 साल 3 साल जितने भी साल में MBBS करते हैं, 3 साल में तो कोई नहीं करता है, पर आप उसको क्लियर करते तो आपके पास 10 साल, यानी कि 1 साल में 2 अटेम्प्ट है तो यानी 10 साल में आपको 20 अटेम्प्ट मिले, तो एक तरह से आप कह सकते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, तो ये आपके लिए बम्पर ड्रॉ के लिए बम्पर धमाका, मतलब इससे बड़ा तो आपके लिए गिफ्ट हो ही नहीं सकता। NMC जो अवोमन एंटी रूल्स बनाती है, मतलब खासतौर FMGs के लिए, ये पता नहीं कैसे उन्होंने एक अच्छा ब्रेक थ्रू बच्चों को दिया जो उनके नोटिस में भी आ गया। एक दूसरा उन्होंने एक जो चेंजेस रशिया में बहुत बड़ा हुआ, जो मैंने अपने स्टेटस पे लगाया तो बहुत अच्छे पूछ रहे थे कि रशिया ने क्या किया कि एक्चुअली जब ये NMC ग्रेजुएट आया, तो जितना मुझे पता, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो मैं भी टच में रहता, तो
सभी यूनिवर्सिटीज के रेक्टर्स जो वाइस चांसलर हमारे जैसे होते हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री को लिखा सभी यूनिवर्सिटीज से कि भाई इंडियन एडमिशंस कैसे होंगे, एनएमसी का जो नया गैजेट है इसको हम कैसे फुलफिल करेंगे। तो इसके लिए मिनिस्ट्रीज ने खूब विचार विमर्श किया होगा मेरे हिसाब से, इंडियन मिनिस्ट्री से जो भी बात की, रशियन मिनिस्ट्री, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का आपस में तालमेल बैठा हो, तो सॉल्यूशन कुछ निकला है। और मैं अपने इसमें वीडियो में वो लगाऊंगा कि इन्होंने इंटर्नशिप का जो सिस्टम बनाया है वो अप्रॉक्स मान के चलिए 426 दिन की कुछ है क्लिनिकल पोस्टिंग। तो 426 दिन मतलब बहुत होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 1.5 साल के ऊपर की इंटर्नशिप हो रही है। और ये एग्जैक्टली आपको ये लागू कैसे हो रही है, जो आपका 10th सेमेस्टर है, 12 सेमेस्टर पढ़ने जाते हैं ना रशिया, तो 10th सेमेस्टर से लागू होगी जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है। और इसके रिगार्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ में लेटर भी जा चुके हैं, आपके जो भी डीन हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में रशिया में अपने डीन से पूछिएगा, उनको ऐसा लेटर मिनिस्ट्री से डेफिनेटली आया होगा। और इसके वजह से आपके सब्जेक्ट चेंजेस होने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको 4th ईयर में पढ़ाए जाते थे तो वो 3rd ईयर में, जो 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है 2nd ईयर में, तो एक तो वो सिस्टम चेंज हो रहा है। एक दूसरा जो चेंज हो रहा है जो सबसे बड़ा वो है कि जो इंटर्नशिप है उसी में आपको एक इंटर्नशिप आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो जाएगी, जो कि मोटा मोटा 426 दिन की है, जो कि 1 साल से ज़्यादा 11 महीने एनएमसी ने मांगा, तो उससे कहीं ज़्यादा ये आपको करके दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट वाइज कितने दिन क्या क्या है वो उसमें लिखा है, मैं एग्जैक्टली शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। और इससे क्या कि आपका एक इंटर्नशिप आपका हो जाएगा। बट एक ही मैं और आपको अपडेट कर दूँ, जो फाइनल ईयर होता है उसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं रह जाते रशिया में, जो आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं उनसे पूछिएगा, ज़्यादातर वो फॉरेंसिक या 1-2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनकी वैसे भी क्लिनिकल पोस्टिंग हो रही थी, बट अब उसको इंटर्नशिप की तरह उन्होंने मोल्ड कर दिया जो एग्जैक्टली एनएमसी डिमांड करी थी। तो मेरे ख्याल से ये जो दो बड़े ब्रेक थ्रू मैंने आपको शेयर किए हैं, इसके बाद एक तो आपका ड्यूरेशन 6 साल का रहा जो कि नहीं बढ़ा, जो मैंने स्टेटस में कर डाला था कि आपका स्टेटस मतलब आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस नहीं बढ़ रहा है इस रूल के बाद से। दूसरा एनएमसी का जो नया गैजेट है, अब मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज जितना मैंने स्टडी किया है, एक चीज जहां रशिया फंसा था वो इंटर्नशिप, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, वो भी इन्होंने शायद उसका रास्ता निकाल लिया। और इसके कई कारण में से जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो है इंडियन रशिया का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा अच्छा रहा। तो फ्रैंकली ऐसा लगता है बहुत कम कि इंडिया और रशिया एट द कॉस्ट अपने आपस के एजुकेशनल जो रिलेशन इतने 30 साल से ज़्यादा के उसको ख़त्म करता। तो उम्मीद तो हमें थी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ये रास्ता इतना अच्छा और आसान निकलेगा, इतनी जल्दी निकलेगा ये उम्मीद नहीं थी। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और इससे रिलेटेड कुछ और चेंजेस होंगे मैं डेफिनेटली अपने वीडियोज़ में करूँगा। बट ये आपके लिए दो अच्छी खबर, एक तो ड्यूरेशन बढ़ गया, मतलब 10 साल मिल रहे हैं, यानी 20 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से मिल रहे हैं आपको पास होने के, जो कि बहुत है इतने में तो मतलब पास होना बनता है। और दूसरा जो है वो आपका इंटर्नशिप उसमें रशियन यूनिवर्सिटीज़ में सभी यूनिवर्सिटी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में उसमें सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया। तो अभी के लिए धन्यवाद, हम करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कुछ भी इससे रिलेटेड नया हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है डेफिनेटली। तब तक के लिए धन्यवाद।